कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा 16th पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में कि कंप्यूटर लैपटॉप को आप कैसे चला सकते हैं, उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर ये स्क्रीन आती है। इसमें यहाँ सबसे पहले आपको एक बटन मिलता है जिसको कहा जाता है स्टार्ट बटन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा मेन्यू आ जाएगा। जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक मेन्यू दिया जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि इस होटल में कौन कौन से फूड्स अवेलेबल हैं। तो जब आप कंप्यूटर में यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेन्यू आ जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। जैसे कि यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, फोटोशॉप है, एडोब रीडर है, और यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो है, एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट है, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप अपने कंप्यूटर के सभी एप्लीकेशंस को एक बार में यहीं से देख सकते हैं, यहीं से आप उनको ओपन भी कर सकते हैं और यहीं से आप उनका शॉर्टकट भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एडोब रीडर है, अब मैं इसका शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए इसको उठाऊँगा और जहाँ पर भी मुझे रखना है मैं इसको रख सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ डेस्कटॉप पर रख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर रख सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो नीचे यहाँ पर रख सकता हूँ। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें कभी इस प्रोग्राम को ओपन करना है तो यहीं हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और ये प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको रिमूव करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनपिन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। मेन्यू में यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशंस तो ऐसे होते हैं जो आप अलग से इंस्टॉल करते हैं और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपने अलग से इंस्टॉल नहीं किया है। जैसे ही आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया वैसे ही यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ गई है। तो यहाँ से आप इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप कैलकुलेटर का शॉर्टकट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। और नीचे आएंगे आपको कैलेंडर मिलेगा, ये भी एक इनबिल्ट एप्लीकेशन है जो कि आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नीचे आएंगे यहाँ पर है कॉरल ड्रॉ, ये मैंने अलग से इंस्टॉल किया है तो यहीं से इस पर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के सभी एप्लीकेशंस की एक लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर विंडोज़ एसेसरीज़ नाम का एक फोल्डर आपको मिलेगा जिसमें विंडोज़ के अपने एप्लीकेशंस होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। करेक्टर मैप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिससे आप इंटरनेट को चला सकते हैं, नोटपैड है, पेंट है, प्रिंट 3D है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे जो कि विंडोज़ के अपने एप्लीकेशंस हैं। इन्हें आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ये विंडोज़ सिस्टम है, विंडोज़ सिस्टम में सिस्टम से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सामने आते हैं, जैसे कि कमांड है CMD, जिससे आप अपने पूरे कंप्यूटर को रन कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं वो आप अपने CMD के ज़रिए कर सकते हैं। विंडोज सिस्टम में यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है रन। रन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल, कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने नोटपैड लिखा, उसके बाद बस एंटर करना होता है, नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो सर्च बॉक्स दिया गया है, इस सर्च बॉक्स में भी आप अपने कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन, फाइल या किसी भी चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर रन सर्च करना है तो यहाँ पर हम रन लिखेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर रन बॉक्स आ जाएगा। रन बॉक्स में आप कोई भी फाइल, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। रन का शॉर्ट की है, आप अपने कीबोर्ड में विंडोज़ कीज प्लस R को प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रन आ जाएगा। रन का कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके बारे में आपको समझना ही होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप किसी भी प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, इंटरनेट रिसोर्स या विंडोज़ के किसी भी फाइल का यहाँ पर आप नेम टाइप करिए, वो ओपन हो जाएगी। यहाँ डेस्कटॉप पर देखिए ये दिस PC रखा हुआ है, यानी इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर में चले जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये डिलीट हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया, तो अब इसको आप वापस कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे
और नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको जाना है विंडोज सिस्टम में। यहाँ पर विंडोज सिस्टम है तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिस पीसी ये अवेलेबल है। अब यहाँ से आप बस इसको उठाएंगे और अपने डेस्कटॉप पर रख देंगे। यहाँ से आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर दिया जाता है, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में देखते होंगे प्ले स्टोर आपको दिया जाता है एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए, तो ऐसे ही यहाँ कंप्यूटर में आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। लेकिन ये आपको विंडोज 7 से ऊपर वाले वर्जन्स में मिलता है, जैसे कि विंडोज 10, विंडोज 8 एक्सेट्रा। विंडोज 7 में आपको ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं मिलता। इस स्टोर में आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ई बुक सॉफ्टवेयर आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप भी है और यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप अपने कंप्यूटर में यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, इसको बोला जाता है डेस्कटॉप। जब भी आपसे कहा जाए कि डेस्कटॉप पर वो एप्लीकेशन रखिए तो आप यहीं रख देंगे। आपसे कहा जाए कि डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर रखा हुआ है तो आप यहाँ पर आएंगे, ये रखा हुआ है, तो इसको कहा जाता है डेस्कटॉप कि मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर ये चीज़ें रखी हुई है। डेस्कटॉप पर अगर आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा एक मेन्यू दिया जाता है। इस मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले यहाँ पर है व्यू। व्यू में यहाँ पर देखिए लार्ज, मीडियम और स्मॉल ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये असल में जो यहाँ पर आप ये आइकन्स देख रहे हैं इनको मैनेज करने के लिए है। व्यू में जाके अगर आप मीडियम पर क्लिक करेंगे तो देखिए इन आइकन का साइज़ यहाँ पर बढ़ चुका है। इसी तरीके से व्यू में हम यहाँ लार्ज पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर इन आइकन का साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, ये लार्ज हो चुकी हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाके हम स्मॉल पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये स्मॉल आइकन हो चुकी है। अभी यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कंट्रोल पैनल है, मैंने इधर रख दिया उठाकर, रिसाइकल बिन यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर एक और फाइल है इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो डेस्कटॉप पर यहाँ पर सारी फाइल्स बिखरी पड़ी है तो इन सबको अगर हमें एक जगह रखना है तो एक तरीका तो ये है कि इनको हम उठा उठा करके रखें। लेकिन एक सिंपल तरीका है कि आप राइट क्लिक करिए, व्यू में जाइए और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अरेंज आइकन्स का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे आइकन ऑटोमेटिकली अपने आप अरेंज हो जाएंगे, आपको कहीं भी उठाकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा यहाँ पर है शॉर्ट बाय, इससे आप अपनी फाइल्स को शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि A to Z, 1 to 3 इस तरीके से। यहाँ पर हम बाय नेम कर देंगे तो देखिए नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब सॉर्ट हो चुकी है। यहाँ पर सॉर्ट पर हम आएंगे और हम इनको यहाँ पर डेट मॉडिफाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये डेट के हिसाब से आएंगे। सबसे लास्ट में कौन सी फाइल यहाँ पर बनाई गई है वो सबसे शुरू में आएगी, जैसे कि यहाँ पर ये अभी हमने शॉर्टकट बनाया है तो ये सबसे शुरू में आ गया। यहाँ पर एक है रिफ्रेश। रिफ्रेश पर जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होगा, आपने देखा होगा। राइट क्लिक करते हैं उसके बाद लेफ्ट क्लिक करते हैं रिफ्रेश पर तो इससे आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। तो इसको कई बार एक बार जब हम करते हैं तो कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। नीचे आएंगे यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है न्यू। न्यू में यहाँ पर आपको फोल्डर, शॉर्टकट, कॉन्टैक्ट्स, टेक्स्ट फाइल ये सारे बनाने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें कोई फोल्डर बनाना है तो फोल्डर बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम फोल्डर का नेम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका फोल्डर बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम यहाँ न्यू में जाएंगे और हमें यहाँ पर कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है। मान लीजिए कोई हमें कुछ बोल रहा है और हमें एकदम से उसको नोट करना है तो उसके लिए हम यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको कोई एक नेम दे देंगे और इसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। इसमें आप जल्दी जल्दी उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है शॉर्टकट। यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं डेस्कटॉप पर तो उसके लिए आप न्यू में जाएंगे, शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को फाइंड करना पड़ेगा जिसका आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। आप यहाँ किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर, किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट आप यहाँ बना सकते हैं। या तो आप यहाँ पर नेम टाइप कर देंगे या आप यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा कंप्यूटर आपके सामने आ जाएगा। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट बनाने के लिए आप उसको एक्सेस करेंगे, जैसे कि हम जाएंगे पीसी में और पीसी में यहाँ पर डाउनलोड में मेरे पास कोई फाइल रखी हुई है उसका मैं शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर टेलीग्राम में माउस नाम की एक फाइल रखी हुई है तो इस फाइल का मैं एक शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर मैं माउस को सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, इसके बाद नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर उसको एक नाम दे दूंगा और फिनिश कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर माउस नाम की फाइल का एक शॉर्टकट आ चुका है। ये एक रियल फाइल नहीं है, ये फाइल का एक शॉर्टकट है।
यानी अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर दोगे तो फाइल डिलीट नहीं होगी, क्योंकि ये फाइल नहीं है, ये एक फाइल का शॉर्टकट है। इस पर क्लिक करके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ न्यू में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि थोड़े एडवांस लेवल के हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखते रहेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले सेटिंग्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। डिस्प्ले पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले में आप कितना लेआउट रखना चाहते हैं, क्या रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं, ओरिएंटेशन किस तरीके की आप रखना चाहते हैं, यहाँ से ये चीज़ें सारी आप सेटअप कर सकते हैं। इसमें आपको साउंड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कौन सा माइक आप यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल माइक यूज़ किया हुआ है, सैमसंग गो माइक, तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपने माइक्रोफोन को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पर्सनलाइज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर आपको कौन सी इमेजेस रखनी है, किस तरीके से रखनी है, कलर्स कौन से रखने हैं, वो सब आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले है बैकग्राउंड, आप अपने कंप्यूटर का बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप ब्राउज कर सकते हैं या कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। अभी अगर हम बाहर जाएँ तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आप अपना फ़ोटो भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो चूज़ कर लिया है तो यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ चुका है। और आप यहाँ पर ब्राउज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में कोई भी इमेज, कोई भी फाइल जहाँ पर रखी हुई है, उस इमेज या फाइल को आप कंप्यूटर के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है चूज़ टू फिट, यानी कोई इमेज अगर ऐसी है जो छोटी है तो उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप फिट करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दूसरा यहाँ पर है कलर्स का, अभी हमने यहाँ पर ब्लू कलर्स चूज़ किए हुए हैं, देखिए चारों तरफ यहाँ पर ब्लू ही शो हो रहा है। तो अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ काफ़ी सारे कलर्स मिलते हैं, मान लीजिए मुझे रेड रखना है तो यहाँ से मैं रेड पर क्लिक करूँगा, अब देखिए यहाँ पर सारे कलर रेड हो चुके हैं, यहाँ पर मेन्यू देखिए रेड हो गया है और यहाँ पर ये सब रेड शो हो रहा है। यहाँ पर है लॉक स्क्रीन, आप अपने लॉक स्क्रीन पर क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने विंडोज स्पॉटलाइट रखा है जिसमें रोज़ाना ऑटोमेटिक इंटरनेट से न्यू इमेजेस आती है जो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आती है, तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर या कोई स्लाइड शो भी रख सकते हैं। और यहाँ लॉक स्क्रीन पर आप कौन कौन से एप्लीकेशंस रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक विंडोज़ के मोबाइल फ़ोन की तरह से है, अगर आपके पास विंडोज़ मोबाइल फ़ोन है या आपने कभी विंडोज़ मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल किया है तो जो सेटिंग्स आपको वहाँ पर मिलती है सेम वही सब सेटिंग्स यहाँ आपको कंप्यूटर में मिल जाती है। यहाँ पर ये थीम है, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का थीम चेंज कर सकते हैं। थीम में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड, इमेजेस, कलर सभी चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम इस वाले को चूज़ करेंगे तो सारे कलर और साउंड्स और माउस कर्सर बैकग्राउंड सब यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अगर आपको डेस्कटॉप से कोई भी फाइल फोल्डर आपको डिलीट करना है तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और अपने कीबोर्ड में आप शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस करेंगे और यहाँ यस करेंगे तो वो सब डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी फाइल को डिलीट करेंगे ऐसे ही उसको सिलेक्ट किया और बस डिलीट पर क्लिक कर दिया और यस किया तो वो फाइल डिलीट तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो रिसाइकल बिन रखा हुआ है कूड़ेदान, इस कूड़ेदान में आपको वो फाइल मिलेगी। जैसे कि हमने अभी ये डिलीट की है तो ये कूड़ेदान में रखी हुई है, इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे रिस्टोर करेंगे तो जहाँ से डिलीट की थी ये फाइल वहीं पर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये है माई कंप्यूटर, कंप्यूटर या दिस पीसी, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके हार्ड ड्राइव के पार्टीशंस मिलते हैं और उन सबके अलग अलग नाम हैं, मतलब आपके पास हार्ड ड्राइव तो एक ही है 500 GB या 1000 GB की, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग पार्टीशंस बने होते, जैसे कि यहाँ पर है सी ड्राइव, तो सी ड्राइव में आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे रिलेटेड प्रोग्राम फाइल्स एप्लीकेशंस डेटा यहाँ पर रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी प्रोग्राम फाइल्स हैं, अगर इनमें से हम किसी भी फाइल को डिलीट करेंगे तो हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम सही से काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर हम अपने जो काम की फाइल्स होती हैं वो बिल्कुल नहीं रखते हैं सी ड्राइव में, क्योंकि अगर विंडो कभी भी क्रैश होगी या आपका कंप्यूटर में कोई वायरस आएगा और आपको विंडो चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो सी ड्राइव को हमेशा फॉर्मेट किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर कोई अपनी इंपॉर्टेंट फाइल रखेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट फाइल्स को दूसरे पार्टीशंस में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने YouTube नाम का एक पार्टीशन बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर नाम का अलग पार्टीशन बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स नाम का अलग पार्टीशन बनाया हुआ है, वेबसाइट्स का अलग पार्टीशन बनाया हुआ है और ऐप्स का अलग पार्टीशंस मैंने बनाया हुआ है।
तो यहाँ पर आप अपने पार्टीशंस अलग अलग बनाइए, लेकिन सी ड्राइव में आप अपने काम की कोई भी फाइल बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि सी ड्राइव को हमेशा फॉर्मेट करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते समय या कोई वायरस आने की सिचुएशंस में। यहाँ पर पार्टीशंस पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी ड्राइव को यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसका एक शॉर्टकट बना सकते हैं और आप यहाँ पर नेम भी चेंज कर सकते हैं। अभी इसका नाम है लीमग और मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज करके कर देता हूँ वेधा। यहाँ पर ये बोल रहा है कंटिन्यू और आप देखिए यहाँ पर इसका नाम हो चुका है वेधा। तो यहाँ पर आप अपने पार्टीशंस के नेम भी चेंज कर सकते हैं। इनको ओपन करने पर इसमें आपको अपनी फाइल्स और अपने फोल्डर्स, सॉफ्टवेयर्स, जो भी एप्लीकेशन आपने रखी हुई हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ से आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो सेम तरीका रहेगा, आप राइट क्लिक करेंगे, माउस से न्यू में जाएंगे और फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना पाएंगे। यहाँ पर राइट साइड में आपको आइकन्स मिलते हैं नेटवर्क के, स्पीकर्स के, लैंग्वेजेस के, टाइम, और आपको यहाँ पर मिलता है नोटिफिकेशन पैनल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये है वाईफाई, तो इसमें आप यहाँ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एयरप्लेन मोड लगा सकते हैं जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे वाईफाई नेटवर्क आ रहे हैं तो जिससे भी कनेक्ट करना है उस पर हम क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उससे हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर यह है स्पीकर, यहाँ से हम वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ स्पीकर आइकन पर अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पर मेन्यू आ जाएगा और आप यहाँ से इसकी साउंड सेटिंग्स में जा सकते हैं। साउंड सेटिंग्स में आप डायरेक्ट में ही सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से आप अपना माइक और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है टाइम और डेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा कैलेंडर मिल जाएगा। कैलेंडर में यहाँ पर आप अपने इवेंट्स को सेट कर सकते हैं कि आज मुझे क्या करना है, कल की डेट में मुझे क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसमें सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल कैलेंडर है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन पैनल है, आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको कोई भी नोटिफिकेशन दी जाती है किसी भी एप्लीकेशन के बारे में या कंप्यूटर को अपडेट करने के बारे में, तो वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको मिलता है कंट्रोल पैनल, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में होता है सेटिंग का ऑप्शन, तो कंप्यूटर में सेटिंग के ऑप्शन की जगह होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके कंप्यूटर की पूरी सेटिंग्स आ जाएगी। यहाँ पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग्स आएंगी जिसमें आप अपने कंप्यूटर की ऑटो अपडेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर का बैकअप ले सकते हैं, अपने कंप्यूटर के आप फायरवॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं यूज़र अकाउंट्स जिसमें आप एक न्यू अकाउंट बना सकते हैं और जो पहले से बने हुए अकाउंट्स हैं उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट, जैसे कि नाम से ही यहाँ पता चलता है, इसमें आपको इंटरनेट और नेटवर्क के ऑप्शंस मिलते हैं, यहीं से आप अपने इंटरनेट की सेटिंग्स को भी सही कर सकते हैं। यहाँ पर है हार्डवेयर एंड साउंड्स, इसमें आपके कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर्स हैं और ख़ासतौर से जो डिवाइस प्रिंटर्स आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट मिलती है और उन्हें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये है प्रोग्राम्स का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उनकी आप लिस्ट देख सकते हैं। अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी, इसमें से आप किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसको अपने कंप्यूटर से आप बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्मार्ट टाइपिंग ट्यूटर है, इसको हमें डिलीट करना है, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे और यहाँ से ये एप्लीकेशन डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो आपको कंप्यूटर के स्टार्टिंग में ही सीख लेने चाहिए। बाकी के जो एडवांस लेवल के फंक्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे ही, लेकिन आज आप बस इतने की ही प्रैक्टिस कीजिए कि आपको पता होना चाहिए अपने कंप्यूटर को मैनेज कैसे करना है, अपने कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कहाँ से देखनी है, एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कहाँ से करना है, किसी एप्लीकेशन को कहाँ से ओपन करना है, फोल्डर कैसे बनाना है, न्यू फाइल कैसे बनानी है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो से आपको सीख लेनी है।